वेट लेट मी एट योर क्लास फर्स्ट। वेट करो बेटा थोड़ी देर, नाइन थ्री नाइन थ्री। चलो ओके, हाउ मेनी हैव ज्वाइन? 24। चलो ठीक है, 24। ओके सो टुडे वी हैव टू कंप्लीट व्हिच एक्सरसाइज इज गोइंग ऑन? हम 13.5 आपने कल कंप्लीट करा दी थी। अच्छा 13.5 कल हो गई थी। ऑल क्वेश्चंस कंप्लीटेड? मैम नाइन्थ क्वेश्चन मैम वाज नाइन्थ लेफ्ट। नहीं हुआ। अच्छा नाइन्थ वन इज लेफ्ट, ठीक है चल पहले नाइन्थ करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेट सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, वेट करो। मैम योर प्रेजेंटेशन इज नॉट विजिबल। मैम सायरा बेटा सायरा मैम कुछ प्रॉब्लम आ गई इसमें, रुको। मैंने सुंदर भैया को बुलाया, तब तक मैंने मोबाइल से ज्वाइन कर लिया है, नो प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं, रुको मैं बुक निकालती हूँ और उसमें से आपको क्वेश्चन बोलती हूँ, वेट करो। ओके राइट डाउन क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सरसाइज को बाद में डिस्कस करेंगे, तब तक तो कुछ और क्वेश्चन, बस ये स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गई लैपटॉप में। ओके लिखो क्वेश्चन बेटा, राइट डाउन। 13.6 डिस्कस करते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन को जो लास्ट क्वेश्चन है 13.5 का, वो मुझे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 13.6 हम डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू ओपन योर बुक? Am I audible? यस मैम यस मैम। चलो ठीक है, ओके। सो 13.6 फर्स्ट क्वेश्चन इज, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर। इट मींस व्हाट इज 132? व्हाट इज 132? सरकमफेरेंस सर्कमफेरेंस, इसका मतलब 2 पाई आर की वैल्यू गिवन है। इज इट गिवन 2 पाई आर इक्वल्स टू 132? यस मैम यस मैम। हाँ, तो आप सबसे पहले 2 पाई आर से आर की वैल्यू निकालो, जल्दी से फटाफट निकालो, आर की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे जल्दी से, कितनी आर की वैल्यू आ रही है? जिसका सॉल्व हो जाए बता देना पहले। जल्दी फटाफट सॉल्व करो। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू टेक 5 21 पॉइंट 21 21 सबको मिल रहा है 21? यस आगे ओके, तो आर इक्वल्स टू आ गया 21 सेंटीमीटर। चलो अब आगे रीड करते हैं, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? अच्छा अंश चौधरी अनम्यूट बेटा, अंश अंश। यस मैम हाँ बेटा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेंटीमीटर क्यूब एंड लीटर्स? जल्दी बोलो।
मैम 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। इट मींस व्हिच वन इज ग्रेटर, लीटर क्वांटिटी इज ग्रेटर और सेंटीमीटर क्यूब इज ग्रेटर, ग्रेटर कौन सा हुआ इसमें? बोलो मैम लीटर। लीटर ग्रेटर, क्योंकि 1 लीटर के अंदर कितने होंगे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होंगे। ओके ठीक है। अच्छा अब तो मुझे बताओ, आर निकला है 21, क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, सो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम 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 वॉल्यूम। चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? अंश तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो जल्दी। यस मैम। मैम पाई आर स्क्वायर एच। हाँ बोलो पाई आर स्क्वायर एच। तुम्हें कैसे पता पाई आर स्क्वायर एच लगेगा? क्योंकि मैम सिलेंडर की मैम वॉल्यूम वॉल्यूम का मैम फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। साइराम एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब मैंने कंप्यूटर से ज्वाइन कर लिया लैपटॉप से। ठीक है ठीक है। हाँ तो आपका वॉल्यूम निकालो जल्दी से सब लोग, फाइंड इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। पहले सेंटीमीटर क्यूब में जल्दी कैलकुलेट करके बताओ मुझे। मैम मैं बताऊं? कौन बोल रहा है? पुष्कर मैम। पुष्कर हाँ बोलो बेटा, कितना आया? यस मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। एक सेकंड। हाँ फिर से बोलो बेटा, फिर से बोलो। मैम 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सब लोग फाइंड करो, यही आना चाहिए सबको, 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। ओके पवन धाकड़ अनम्यूट। पवन। यस मैम। ओके अब इसको लीटर्स में कन्वर्ट करो, 34,650 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में क्या आएगा जल्दी बोलो। यस मैम। जल्दी फटाफट। 34.65 लीटर्स। यस 34.65 लीटर्स, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब को जब भी लीटर में कन्वर्ट करते हैं हमें क्या करना होता है, 1000 से डिवाइड, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 34.65 लीटर्स आ जाएगा। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया जल्दी बताओ, यस और नो? यस यस मैम। ओके नाउ एनी वन ऑफ यू टेल इज स्क्रीन विजिबल, वन नोट फॉर विंडोज 10। यस मैम। सो आप सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ 13.5। वैसे 13.5 के लास्ट क्वेश्चन में है कुछ नहीं, कर सकते हो आप लोग, चलो फिर भी रीड कर लेते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन इज, यहाँ से कुछ लेना पड़ेगा, कोई एक तब तक रीड करो बेटा, यहाँ से सिलेक्ट कर लो। Anyone of you read? A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall into the sea in a minute? In a minute. Okay. Question का meaning सबको clear है? Meaning is clear? Yes ma'am. Yes ma'am. देखो, तो इस question में आपको क्या given है? River की depth given है 3 meter deep. Number one. नंबर टू 40 मीटर वाइड, यानी उसकी ब्रेथ गिवन, ब्रेथ बी की वैल्यू मालूम है और एच की वैल्यू मालूम है, डेप्थ एंड वाइड दोनों। फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, इसका मीनिंग पहले समझो, 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 1 आवर में कितना वाटर फ्लो होगा उस रिवर से 2 किलोमीटर, ठीक है। हाउ मच वाटर विल फॉल इन टू द सी इन 1 मिनट, आपको क्वेश्चन में ये पता करना है कि यदि उस रिवर से सी में वाटर फ्लो होता है तो 1 मिनट में कितना वॉल्यूम, कितना पानी जो है कहाँ पे जाएगा, रिवर से सी में जाएगा। क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हुआ सबको? अच्छा एक चीज और सुनो, ध्यान से सुनो, अब वाटर जहां पर भी जिस शेप में होगा उसी का फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा रिवर में यदि वाटर है तो
कौन सा शेप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या स्फीयर या सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके यस यस, हम इसमें क्या यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को। इसमें यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। पहले क्वेश्चन निकाल लो, एक बार सामने से रीड कर लो सब लोग। 13.5 हाँ, दिस लास्ट वन कंट्रोल प्लस। आप देखना ध्यान से क्वेश्चन में क्या है, इसका मतलब रिवर की डेप्थ आपको गिवन है 3 मीटर। अब इसको हम क्यूबॉइड के शेप में पहले आप प्रैक्टिकली समझो, ये है आपका रिवर की, ये हो जाएगी लेंथ। देखो रिवर की कोई लेंथ नहीं होती, लेकिन यहाँ जो एल लेंगे हम लोग, वो एल क्या ले लेंगे, 2 किलोमीटर पर, ये जो स्पीड गिवन है। खूब अच्छे समझ रहे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन टेंथ में बहुत सारे हैं, ये तो बहुत सिंपल बहुत हाई फाई क्वेश्चन है टेंथ क्लास में। तो आप इतना समझना सबसे पहले कि जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ वाटर, वो एल का काम करेगी। कैसे एल का काम करेगी, प्रैक्टिकली सोचना। वन आर में सपोज करो अभी पानी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग है रिवर में, यहाँ पे वाटर है अभी। अब आप यह ऐसा समझो कि आपने पानी में कुछ कलर डाल दिया, आपने पानी में रेड कलर कुछ आपने डाल दिया। वन आर पर आर में 2 किलोमीटर उसकी स्पीड है, किसकी स्पीड है, रिवर की। अब रिवर में क्या है, वाटर, यानी वाटर 1 आर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 किलोमीटर। तो जैसे 1 आर, मान लीजिए अभी 11 बजे हैं, ध्यान से देखना, 11 AM में आपने एक रेड कलर का ड्रॉप या ब्लू कलर की इंक यहाँ पे डाला आपने, जैसे 1 आर कंप्लीट होगा, 1 घंटे में ये जो पानी था वो देखो प्रैक्टिकली मैं जाने को चल के मिक्स हो जाएगा, फिर हमें दिखेगा नहीं, वो सब चीजें छोड़ दो। सिंपल सा यदि मान लीजिए पूरा कलर आपको दिखता है, तो 1 आर में ये जो ये वाला कलर है वो आगे 2 किलोमीटर यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। अब वो साइंस मत लाना बीच में कि मिक्स हो जाएगा, मिक्स होकर कलर नहीं दिखेगा, वो सब चीजें लॉजिक नहीं है। कोई भी चीज आपने इसमें डाला, वो 1 आर के बाद 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसा समझ लो। इतना क्लियर हो गया सबको, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि 1 आर में वॉटर ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 2 किलोमीटर। तो ये हो जाएगी लेंथ, हो गई 2 किलोमीटर। ये रिवर की लेंथ कभी नहीं होती, मतलब वाटर की भी लेंथ नहीं होती, रिवर की भी लेंथ नहीं होती। इसको सिर्फ समझना कि स्पीड ऑफ वाटर, तो 1 आर में जो वाटर है 2 किलोमीटर आगे कवर कर लेगा। इसकी जो ब्रेथ है वो गिवन है आपको 40 मीटर और हाइट जो गिवन है वो 3 मीटर। अब रिवर में जो पानी होगा, प्रैक्टिकली सोचना, वो पानी किस किस को कवर करेगा। एक तो ये जो लेंथ हो गई नंबर वन, नंबर टू जो रिवर की ब्रेथ होगी उसको कवर करेगा, तीसरा जो रिवर की हाइट है उसको कवर कर। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा होगा, जितनी उसकी ब्रेथ होगी रिवर की, वॉल्यूम ऑफ वाटर उतना ही ज्यादा होगा, जितनी उसकी स्पीड होगी वॉल्यूम ऑफ वाटर उतना ही ज्यादा होगा। यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर किस को कौन कौन फुलफिल करेगा कंडीशन पे, उसको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों उसको इफेक्ट करेंगे। किसको, वॉल्यूम ऑफ वाटर को। पहली बात ये समझ में आ गया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर में किस किस का इफेक्ट आएगा, लेंथ का, ब्रेथ का, हाइट का। बट रिवर की कोई लेंथ नहीं होती, वाटर की कोई लेंथ नहीं है, उसका जो स्पीड होगा वो एल का काम करेगा। और ये जो 2 किलोमीटर, ये सिर्फ 1 आर के लिए लेंथ का काम करेगा, यानी 1 आर में जो लेंथ, इसको बोलते हैं, इसके लिए एक्चुअली में वर्ड है, जो मैथमेटिकल वर्ड है वो लेंथ ऑफ वाटर कॉलम बोलते हैं इसको, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम। ये सबको समझ में आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 किलोमीटर, यस और नो? यस मैम। यस मैम। अच्छा, इज 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ रिवर, जल्दी बोलो, इज 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ रिवर? नो मैम। नो मैम। नो मैम। इज 2 किलोमीटर, इज 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ वाटर? नो। सबसे इम्पोर्टेंट क्या आप समझे, 2 किलोमीटर है क्या चीज, 2 किलोमीटर क्या है, 1 आर में वाटर ने कितनी डिस्टेंस कवर की। इसके लिए मैथमेटिकल, आपके 9th क्लास में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसलिए कोई बात नहीं, बट इसके लिए मैथमेटिकल टर्म होता है लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन 1 आर, यानी 1 आर में वाटर ने कितनी डिस्टेंस कवर की। हम लेंथ ऑफ वाटर कह सकते हैं 1 आर के लिए, यानी 1 आर में 2 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा, कौन कवर करेगा, वाटर, यानी जो पानी यहाँ पर है 1 घंटे के बाद वहां पे चला जाएगा। फिर वही साइंस मत लाना कि वाटर तो कंटिन्यूस फ्लो करता है, यदि कंटिन्यूस फ्लो करता है तो फिर कैसे हो गया 1 आर में, उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। मान लीजिए स्पीड उसकी ज्यादा होगी, प्रैक्टिकली सोचो, यदि किसी रिवर की स्पीड बहुत ज्यादा है
तो एक घंटे में जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो होगा वो उसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा यदि उसकी स्पीड कम है रिवर की. इज इट करेक्ट और नॉट? सही है? नो मैम. क्यों बेटा? क्यों सही नहीं है? मान लो सपोज करो किसी उसकी रिवर की स्पीड बहुत धीरे धीरे पानी चल रहा है, फिर बहुत तेज से पानी चल रहा है. प्रैक्टिकली सोचना, स्पीड ऑफ रिवर की बात हो रही है, रिवर की स्पीड होती है नो डाउट. तो उस केस में आपका ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर किसमें कलेक्ट होगी यदि वाटर को एक जगह से दूसरे जगह चेंज होना है प्लेस को, तो किसमें ज्यादा पानी कलेक्ट होगा? जिसमें स्पीड क्या होगी रिवर की? स्लो. ज्यादा होगी. ठीक है, तो इसका मतलब ज्यादा. अब ये सबसे पहले आपको सोचना कि वाटर का शेप क्या होगा. वाटर किस शेप में है? इसमें क्यूबॉइड के शेप में. इसमें एल का काम क्या करेगा? एल की वैल्यू है 2 किलोमीटर. ब्रेथ आपको ऑलरेडी गिवन है 4 मीटर एंड डेप्थ इज गिवन 3 मीटर. इसका मतलब आप क्या लिखोगे? पहला सेंटेंस होगा, इसके स्टेप सुन लो. पहले आप लिखोगे डेप्थ ऑफ रिवर इक्वल्स टू 3 मीटर. अब ब्रैकेट में इसको एच लिख देना. जो रिवर की डेप्थ होगी वो एच का काम करेगी. कौन सा एच? एल इंटू बी इंटू एच वाला. यानी जो क्यूबॉइड है उसका एच डेप्थ ऑफ रिवर होगी. नंबर टू आप लिखोगे विड्थ ऑफ रिवर. विड्थ ऑफ रिवर क्या चीज है? बी. ये कितना गिवन है? 40 मीटर. फिर इसके बाद आप लिखोगे स्पीड ऑफ वाटर. वाटर की स्पीड क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर. ये 3 स्टेप हो गए. फिर आप नेक्स्ट लिखोगे द लेंथ ऑफ वाटर. या सिंपली ऐसे लिखना, क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर. क्या लिखेगा नेक्स्ट सेंटेंस बताओ? आपको 1 मिनट का निकालना है, हमें 1 आवर गिवन है. कौन बोलेगा नेक्स्ट सेंटेंस? जल्दी बोलो. डेप्थ ऑफ रिवर हो गया, विड्थ ऑफ रिवर हो गया, स्पीड ऑफ वाटर हो गया. नेक्स्ट क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर. वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर. वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल इंटू द सी. पूरा लिख दो. वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल इंटू द सी इन 1 आवर. तो 1 आवर में कितना वाटर फ्लो करेगा? एल इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू एल की वैल्यू क्या पुट करेंगे? एल इक्वल्स टू 2000 मीटर. 2000 मीटर. अरे आप 2 किलोमीटर लिख दो ना. एक सेकंड. एल इंटू बी इंटू एच. एल हो गया 2 किलोमीटर, बी हो गया 40 मीटर, एच हो गया H 3 मीटर. अभी मीटर मीटर ये किलोमीटर, यूनिट सेम होना चाहिए. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 2000 मीटर हो जाएगा इंटू 40 मीटर इंटू 3 मीटर. ये क्या चीज निकला? दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इंटू द सी इन 1 आवर. ये 1 आवर में जितना वाटर फ्लो होगा कहाँ पे? सी में. कहाँ से? रिवर से. तो ये आ गया इतना. इसको सॉल्व करेंगे 4 3 12 12 2 24 24. ये हो गए 1 2 3 4 मीटर क्यूब. करेक्ट है? देखो चेक करो, सही है क्या? चेक करो. यस मैम. ठीक है, ये कितने मिनट कितने आर में है? 1 आर में. 1 आर का मतलब 60 मिनट्स. तो आप नेक्स्ट स्टेप लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द सी इन 60 मिनट्स. 60 मिनट्स में इतने मीटर क्यूब वाटर रिवर से फ्लो होकर के कहां पे कलेक्ट हो जाएगा? सी में कलेक्ट हो जाएगा. यदि 60 मिनट्स में इतना वाटर फ्लो होगा तो 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो होगा? 60 मिनट्स में इतना, तो 1 मिनट में डिवाइडेड बाय 60 से डिवाइड कर देंगे. ये मीटर क्यूब ऐसे ही रहेगा 1 2 3 4 1 2 3 4. जैसे डिवाइड करेंगे 0 0 कैंसिल, 6 4 24 1 2 3, यानी 4000 मीटर क्यूब. इतने मीटर क्यूब वाटर फ्लो होगा कहाँ से? रिवर से. कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा? सी में. इज इट क्लियर? समझ आ गया सबको? जल्दी बोलो यस और नो. यस मैम. इसी में कुछ चेंज कर रही हूँ मैं. क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या चेंज कर रही हूँ. चेंज स्पीड को चेंज कर रही हूँ मैं. सपोज करो कि जो स्पीड है रिवर की वो मैंने ले लिया 200 मीटर पर, चलो छोड़ो और ले लो 2 मीटर पर मिनट. ये मैंने स्पीड ले लिया रिवर की. जो स्पीड है वो 2 मीटर पर मिनट. पहले इसको प्रैक्टिकली समझो.
प्रैक्टिकली कि जैसी 1 मिनट होगा तो 1 मिनट में सपोज करो जो वाटर वही जो मैंने आपको समझाया कि आपको प्रैक्टिकली देखना है तो रिवर तो फ्लो कर रही है तो वहां पे आप एक ड्रॉप डाल दो इंक या कोई भी ज्यादा कलर डाल दो, जैसे 1 मिनट होगा तो जो ये कलर्ड वाला वाटर है वो 2 मीटर आगे शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब वाटर ने डिस्टेंस कवर कर लिया 2 मीटर इन 1 मिनट। ये प्रैक्टिकली क्लियर हुआ जो एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रही हूँ? यस और नो? यस मैम। तो इसका मतलब ये जो 2 मीटर होगा वो किसका काम करेगा? एल का काम करेगा। ये लेंथ ऑफ वाटर कॉलम हो गया, एल की वैल्यू हो गई 2 मीटर, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए। अब जो आपको स्पीड दी जाती है, स्पीड में जो टाइम दिया जाता है, पहले इतने का वाटर का निकालेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो आप इसमें बाकी सब सेम है, स्पीड ये 2 मीटर पर मिनट और उसकी जो डेप्थ है वो 3 मीटर है, उसकी जो ब्रेथ है, विड्थ ऑफ रिवर है, विड्थ है 40 मीटर, बाकी कोई चेंज नहीं है। अब पहला सेंटेंस हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन टू द सी इन 1 मिनट आप निकालोगे। क्यों 1 मिनट निकाला? क्योंकि जो आपकी स्पीड का टाइम है, जो स्पीड का टाइम होगा उसी टाइम के लिए आप पहले वॉल्यूम निकालोगे। यहाँ मिनट है तो पहले 1 मिनट का निकालेंगे, आर होता तो 1 आर का निकालते, सेकंड होता तो 1 सेकंड का निकालते। तो आप सबसे पहले 1 मिनट का निकल आएगा, 1 मिनट का एल इंटू बी इंटू एच। 1 मिनट के लिए लेंथ कितनी है वॉटर की? 1 मिनट के लिए एल का काम करेगा। हम ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ वॉटर कॉलम इन 1 मिनट, 1 मिनट में वाटर कितने डिस्टेंस कवर करेगा? 2 मीटर। तो 2 मीटर हो गई एल की वैल्यू, बी हो गया आपका 40 मीटर, एच हो गया आपका 3 मीटर। उस केस में आपका आंसर आ जाएगा 4 3 12, 240 मीटर क्यूब। आपका आंसर ये रहेगा कि 1 मिनट में इतना वाटर फ्लो होगा, कहां से? रिवर से। कहां शिफ्ट हो जाएगा? सी में। सोनारा जल्दी बोलो यस और नो, डिफरेंस क्लियर हुआ? अब आगे देखो, फिर एक चेंज कर रही हूँ। अब मैंने उसकी रिवर की स्पीड फिर से चेंज कर दिया, अब मैं रिवर की स्पीड ले रही हूँ 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड बहुत तेज चल रही, बहुत ज्यादा स्पीड है रिवर की। यानी 1 सेकंड जैसे ही होगा, 1 सेकंड में वाटर कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 मीटर। फिर वही जो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया, प्रैक्टिकली क्या समझाया? यहाँ से ऐसे ऐसे पानी जा रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है रिवर, देखना ध्यान से। अब उसकी वाटर की स्पीड क्या है? रिवर की स्पीड है 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, वाटर कवर करेगा। अब सपोज करो मैंने रेड कलर का एक ड्रॉप यहाँ पे डाला, जैसी 1 सेकंड होगा, 1 सेकंड में चूंकि वाटर 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो जैसे आप वॉच में देखोगे 1 सेकंड, ये जो कलर्ड वाटर है, जैसे पानी डालेंगे तो नो डाउट कलर तो चेंज ही हो जाएगा, ये कलर्ड वाटर ऐसे जाते जाते यहां तक, यानी इसने 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो 1 सेकंड में इतना ही हो गया, एल का काम करेगा। और जो ब्रेथ है वो तो नो डाउट पूरी रिवर में सेम ही रहेगी, तो ब्रेथ यहाँ पर आपको गिवन है, विड्थ है उसकी 40 मीटर, और जो डेप्थ है उसकी जितना पानी गहरा है वो है 3 मीटर। तो ये जो आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो एक्चुअली में ये वाला वाटर निकलता है, इतना सा पानी यहां से यहां गया 2 मीटर। जो आपकी विड्थ है रिवर की तो पूरे रिवर में सेम ही रहेगी, और एच तो हर जगह आपका डेप्थ सेम है 3 मीटर। ये पूरा पानी कितना कलेक्ट होगा? ये निकलेगा आपका 1 सेकंड में। तो अब आपका क्या चेंज हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द सी इन, ये हो जाएगा 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में इतना वाटर फ्लो होगा। मान लीजिए आपको 1 मिनट का निकालना है, तो मिनट और सेकंड में क्या रिलेशन है? 60 सेकंड इक्वल्स टू 1 मिनट। यदि 1 सेकंड में इतना वाटर फ्लो होगा तो 1 मिनट में कितना फ्लो होगा? इंटू क्या कर देंगे? 60। करेक्ट यस और नो? ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको प्रैक्टिकली क्या सोचना है कि जो स्पीड में टाइम गिवन होगा उस टाइम पीरियड के लिए सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करो। पर सेकंड होगा तो 1 सेकंड का निकलेगा, पर मिनट होगा तो 1 मिनट का निकलेगा, पर आर होगा तो 1 आर का निकलेगा। इसके अलावा कुछ नहीं आया, हमारे पास 3 ऑप्शन है। क्लियर? ठीक है। ये तो बहुत स्टार्टिंग है। जब आप आरडी शर्मा देख रहे हो, बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, इवन 9th क्लास में भी बहुत है, और 10th में मैंने आपको कल बताया था, पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। अप्रोक्सीमेटली 18 क्वेश्चंस हैं शायद 10th क्लास में, अच्छी अच्छी बढ़ी है, तो बहुत इजी था, इसमें तो कुछ नहीं है। लेकिन आप आरडी के क्वेश्चन इसी पे बेस्ड याद से कर लेंगे तो आपकी 10th की थोड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी।
ओके नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आप खुद से कर लेना. हाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ही लिया, सबका हो गया. नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन. हाँ सेकंड वाला थोड़ा ठीक है. द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर. फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ इतना. इसका पहले प्रैक्टिकल मीनिंग समझो. इसका मीनिंग ये है कि यदि आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक ऐसा समझो, अच्छा आपने लकड़ी के जो छोटे छोटे गट्टे टाइप के नहीं होते जैसे क्यूबॉइड के शेप में छोटे छोटे टुकड़े, देखा कभी किसी ने? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब आपके पास ऐसा जो एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का, एक छोटा सा टुकड़ा. देखो इन क्वेश्चंस को यदि आप प्रैक्टिकली समझोगे तो बहुत इजी है. ये मान लो एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है हमारे पास, ये लेंथ उसकी 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ उसकी 1 सेंटीमीटर, हाइट उसकी 1 सेंटीमीटर, क्यूब के शेप में एक छोटा, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा. इसका जो मास होगा, इसको जब आप वेट करोगे, इसका वेट है 0.6 ग्राम, यानी एक छोटा सा पीस है वुडन का, वुड का, और इसका शेप क्या हो जाएगा? क्यूब. क्यूब क्यों लिया? क्योंकि जिस क्यूब में 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो एक मानो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है जो क्यूबिकल शेप में है, उसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, इसको यदि आप वेट करते हो वेइंग मशीन से, आपको 0.6 ग्राम इसका वेट मिलेगा. अब आपसे पूछा है कि यदि आपके पास एक वुडन पाइप है, एक इस तरह की पाइप है, वुडन है, जनरली हमने पाइप आयरन की देखी है, बट एक वुडन पाइप हॉलो है. ये कैसे पता चला हॉलो है? क्योंकि आउटर और इनर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, समझना अच्छे से. तो ये एक हॉलो पाइप है, इसमें आउटर डायमीटर कितना गिवन है? 28 सेंटीमीटर. चलो इसका फिगर यहाँ बनाते हैं. वेट, ये मैंने चलो एक बनाया ऐसा ही वुडन पाइप, ये हो गया आउटर और ये मैंने ले लिया कुछ ऐसा. आप लोगों को सही से बनाना, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे का बिल्कुल एक जैसा उसका सरकमफेरेंस होना चाहिए. अब ये सेंटर मान लो, यहां से लेकर के ये हो जाएगा आउटर डायमीटर ओ. दिस पॉइंट इज ए. ओ ए है, सॉरी कैपिटल आर. दिस इक्वल्स टू रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर. चेक करो एक बार, करेक्ट है? आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर. यदि डायमीटर 28 होगा तो रेडियस कितना होगा? 14. ठीक है, डायमीटर क्या हुआ? तो मान लो ये पॉइंट बी है, तो ए बी ये पूरी लेंथ, ए बी यहाँ बी ले लिया मैंने, मान लो ए बी है 28, हाफ हो जाएगा 14. इस पॉइंट को ले लिया मैंने सी. ओ सी क्या है? स्मॉल आर. तो ये चेक कर ले कितना है, कितना चेक करो. हाँ इनर डायमीटर सेंटीमीटर, डायमीटर इनर डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर. अब इनर डायमीटर का मतलब है ये वाली लेंथ, रुको, ब्लू कलर, ये यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये इनर डायमीटर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आउटर डायमीटर. ये ओ सी है इनर, ओ ए है आउटर रेडियस, ये ले लिया मैंने. अब इसकी लेंथ ऑफ पाइप गिवन है. अब चूंकि पाइप है इसलिए एल वर्ड यूज किया, लेंथ यूज किया, बट यदि उस पाइप को हम सिलेंडर के शेप में देखेंगे तो L किसका काम करेगा? H का काम करेगा. तो लेंथ ऑफ पाइप इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू, चेक करो क्या है लेंथ ऑफ पाइप? 35 सेंटीमीटर. ये है 35 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिर वही प्रैक्टिकली समझो. क्वेश्चन में ये गिवन जो भी समझा के थी, 1 सेंटीमीटर क्यूब इस इतने वुड का जो वेट है, उसका मास है वो 0.6 ग्राम है. तो जो वुडन पाइप आपके पास, ये है वुडन पाइप, ये वाले पाइप जो कि हॉलो है, इसका वेट कितना होगा? क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? ठीक है. अब आप देखो, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब इसको क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा कि इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट. सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे. अब मैंने आपको एक हिंट दिया था कि जब भी आपका कोई हॉलो होगा उसके लिए क्या यूज करते हैं, क्या वर्ड मैंने बताया था? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल.
या ब्रैकेट में लिख देना वुडन पाइप। अब आप यदि वुडन पाइप होगा तो सोचिए जो वुड यूज होगा क्या इस वाले पार्ट में डॉट डॉट करें, यहाँ पे वुड होगा क्या, जल्दी बोलो बाबा यहाँ पे होगा। पार्ट क्या है डॉटेड वाला पार्ट, हॉलो हॉलो, ठीक है। इसका मतलब जो वुड होगा वो सिर्फ इस वाले पार्ट में होगा। प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है सबको, यहाँ वुड होगा, अंदर तो वुड है ही नहीं क्योंकि हॉलो है। ये कैसे पता है हॉलो, क्योंकि आउटर और इनर डायमीटर है। अब आप सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालो, सब लोग निकालो, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, कौन बताएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। हाँ यस, इसका फॉर्मूला लिखोगे एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है जब भी कोई हॉलो चीज होगी उसको वर्ड यूज करते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का मतलब ये हुआ ये चीज जिस मटेरियल से बनी है वो मटेरियल कितना है उसमें, तो वो यहाँ पर क्या है वुड है, इसलिए मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप भी करेक्ट है और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल भी करेक्ट, दोनों से एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। आप प्रैक्टिकली एक्सटर्नल वॉल्यूम का मतलब यदि इसको पूरा हम सॉलिड इमेजिन कर लेते ये पूरा वॉल्यूम, और यदि डॉटेड वाला इसमें से पूरे में से हटा दे तो कौन सा बचेगा, जितना मटेरियल बाउंड्री में यूज है, इसलिए एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर लिया मैंने, माइनस पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल आर। अब इसमें कॉमन है पाई एच कॉमन है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू है 22/7, एच कितना है, एच का मतलब लेंथ ऑफ पाइप 35 सेंटीमीटर इंटू 35 ब्रैकेट आर, कैपिटल आर कितना था 14 था आई थिंक, हाँ ठीक है, ये हो गया 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो इसको 7 से 35 कैंसिल कर दो, 22 × 5। अब आपकी मर्जी इसमें तो डायरेक्ट कर दो, अदरवाइज ए प्लस बी ए माइनस बी भी लगा सकते हो आपको जो सही लगे, तो मैंने डायरेक्ट चलो सॉल्व कर दिया। 14 स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। या चलो मैं वही लगाती हूँ, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करो, क्यों 14 + 12 a + b 14 − 12 a − b तो 22 × 5 × 14 + 12 कितना आ गया 26 होगा क्या, 26 × 2 ठीक है। अब 5 × 2 = कितना हो गया 10, 22 × 10 × 26 इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करो कितना आ रहा है जल्दी आंसर निकालो, निकालो आंसर। यस बेटा बोलो, 5724 यूनिट बोलो, यूनिट क्या आएगी, वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर 5720 आना चाहिए, 5720 पता नहीं बेटा आप देख लो क्या आएगा, आप लोग इतना तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए बेटा, मैम क्योंकि 10 है ना वहां पर, 5720 6 भी तो है, पहली बात तो 6 × 2 = 12 आएगा, अच्छा सॉरी हां नहीं 6 × 2 = पहली बात तो 4 भी नहीं आएगा, 4 भी रॉन्ग है, रुको लास्ट में लेकिन 0 आएगा, करेक्ट करेक्ट सही कह रही है वो, 0 है ना लास्ट में बेटा, 0 आना चाहिए लास्ट में क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, चेक करो ये सही है 5720। यस मैम सही है, यस मैम, क्योंकि जो भी आंसर आएगा 6 × 2 = 12 तो 2 से एंड होगा लेकिन एक 0 लग जाने से लास्ट में 0 आ जाएगा, 5720। इसका मतलब जो वुडन पाइप है उसका वॉल्यूम है 5720 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम है बस, ठीक है। फिर आगे आप वही निकाल लो, वेट ऑफ 1 cm³ ऑफ वुड, इसका 1 cm³ का वेट क्या है 0.6 ग्राम। अब हमें इतने का वेट निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे 5720 × 0.6 ग्राम, सो वेट ऑफ वुडन पाइप इक्वल्स टू, ये सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, क्लियर आगे सब क्वेश्चन में। अब ये आपका ग्राम में आएगा, अब आपको उसको कन्वर्ट करना किसमें, केजी में, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट केजी होती है, आप ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं जल्दी बोलो, डिवाइडेड बाय 1000। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में 1000 से डिवाइड कर देना तो जी की जगह केजी आ जाएगा, इस डेसिमल को कैंसिल करना ये वाला,
एक जीरो और लग जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आप कुछ नहीं करोगे, सिक्स को और 572 को मल्टीप्लाई करना डिवाइडेड बाय 1000, जो आंसर आएगा तीन के पहले डेसिमल लगा देना। सिंपल, यस और नो? यस। ठीक है, तो बस ये आपको हो गया। नाउ बाकी जो क्वेश्चंस आपको खुद करना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एक सेकंड बता देती हूँ उसमें से। थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, यू कैन डू। फोर्थ क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू ओनली वन क्वेश्चन एंड दैट वन इज सेवेंथ वन है, इसमें भी कुछ नहीं पर फिर भी बता दूंगी। बाकी सारे क्वेश्चन आपको खुद करना, बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं बताने लायक भी नहीं है। तो कल सिर्फ सेवेंथ क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हो जाए, बाकी आपको खुद करना अपने आप। करेक्ट? यस मैम। चलो ओके बेटा, चलो अभी मेरी क्लास है, टेंथ क्लास में जा रही हूँ। साई राम, ले वन बाई वन। साई राम मैम, थैंक यू मैम।